हे फ्रेंड्स, आप सभी महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वो युद्ध था जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था। इस युद्ध से हमें कई सीख भी मिलती है जो हमें हमारे जीवन को किस तरह से व्यतीत करना है उसके बारे में बताती है। इस युग में भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार लिया था और अपनी लीलाओं से सबको मोहित भी कर दिया था। यह युद्ध श्री कृष्ण ने रचवाया था। इस युद्ध में अधर्म को समाप्त कर धर्म की रक्षा करके धर्म की स्थापना करना ही प्रथम उद्देश्य था। जब भगवान विष्णु अपना 8वां अवतार लेने वाले थे, तब धर्म की स्थापना हेतु कई देवताओं ने अपने अपने पुत्रों को इस युद्ध में सहभाग लेने हेतु धरती पर भेज दिया था। पर तभी पुत्र मोह के कारण चंद्रदेव अपने पुत्र को धरती पर भेजने से इनकार कर रहे थे। आखिर में सभी देवताओं के समझाने के उपरांत वह मान गए थे, पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनका जो पुत्र होगा वह धरती पर ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा और उनके पास वापिस आएगा। इसी शर्त के तहत चंद्रदेव ने अपने पुत्र को धरती पर भेजा था। तो दोस्तों, चंद्रदेव का यह पुत्र कोई और नहीं बल्कि सुभद्रा और अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही धनुर्विद्या में पारंगित था, और हो भी क्यों ना, आखिर अभिमन्यु को शिक्षा श्री कृष्ण ने ही प्रदान की थी। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध के 13वें दिन जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसका उद्देश्य अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर रखकर युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध को कौरव के पक्ष में जितवाना था, तब वहां अर्जुन उपस्थित नहीं था। इसी कारण अभिमन्यु ने पहले चक्रव्यूह में घुसने का निर्णय किया। पर मित्रों, चक्रव्यूह में अकेले घुसने के पश्चात भी अकेले अभिमन्यु ने पूरे कौरव सेना का दम घुट कर रख दिया था। उस दिन अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को मारकर चक्रव्यूह में प्रवेश किया था। इसी बात का क्रोध दुर्योधन के मस्तिष्क में रहा था, और जब सभी सातों महारथी अभिमन्यु को मारने में असमर्थ रहे थे, तब दुर्योधन के आदेश पर ही सभी साथी महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था। पर दोस्तों, यह बात श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, पर चंद्रदेव के इस शर्त की वजह से ही वह अभिमन्यु को नहीं बचा पाए थे। यह तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण ऐसे भी कहा जाता है कि अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन पूरी क्षमता से युद्ध नहीं कर रहा था। अब पहले ही कौरव की सेना पांडव की सेना की तुलना में अधिक मात्रा में थी, उसमें अर्जुन का ऐसा युद्ध करना पांडव के पक्ष को काफी कमजोर सा कर रहा था, जो श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं चाहते थे। और इसी कारण श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध में हस्तक्षेप नहीं किया था, जिसके कारण अर्जुन और अन्य पांडव अपनी पूरी क्षमता से युद्ध करने लगे थे। और तीसरी बात ऐसी भी कही जाती है कि जब अभिमन्यु वध हुआ था, तब अभिमन्यु को मारते वक्त कौरवों के पक्ष से युद्ध के नियमों का उल्लंघन हुआ था, जो आगे चल के पांडवों को उपयुक्त भी हुआ था। तो दोस्तों, यही वह कारण थे जिनके कारण धर्म की स्थापना हेतु इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में जीतवाने के लिए अभिमन्यु को श्री कृष्ण ने मरवाया था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना।